बात पर बात होगी। ईरान पर करारे पलटवार की इसराइल की तैयारी है और ईरान ने जो हमला किया है वो अब तक का सबसे बड़ा हमला इसराइल पर माना जा रहा है। मिसाइलों से यह हमला किया गया था। अब नेतन्याहू कैसे इसका जवाब देते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो ईरान पर पलटवार की तैयारी, हालांकि जो डिफेंस सिस्टम है इसराइल के पास मिसाइलों से बचने का, ऐसा माना जाता है कि उसका कोई तोड़ है नहीं, बहुत नुकसान होता नहीं। इसराइल पर तकरीबन 200 मिसाइलें दागी गई हैं। और अब दो तस्वीरें देख लीजिए, पहली तस्वीर ईरान के हमले से पहले की है और दूसरी तस्वीर हमले के बाद की है। हमले के पहले का एयर स्पेस कैसा है, हमले के बाद का एयर स्पेस कैसा है, इस तस्वीर के जरिए उसे आप समझ सकते हैं। ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला, 3 अवी पर ईरान का ताबड़तोड़ हमला। ईरान ने 3 अवी पर आसमान से बरसाए बारूद। ईरान ने इजराइल पर करीबन 200 मिसाइलों से हमला किया। आसमान से एक के बाद एक ईरान की मिसाइलें इजराइल की धरती पर बारूद बरसाती रही और रात के अंधेरे में वहां तेज धमाके होते रहे। ईरान ने चुन चुन कर इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया, 3 अवीव पर ताबड़तोड़ हमले किए और दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माने जाने वाली मोसाद के हेडक्वार्टर को ध्वस्त करने का दावा किया। ईरान का ये भी दावा है कि उसने इसराइल के परमाणु रिएक्टर को निशाना बनाने की कोशिश की। ईरान ने इसराइल पर इतनी मिसाइलें बरसाई जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। इसराइल पर हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने ईरान को सख्त चेतावनी दी। את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת. नेतन्याहू ने अपने इरादे जाहिर कर दिए, यानी साफ है कि हमले का बदला लेने के लिए इजराइल भी ईरान पर बड़ा हमला करेगा। इजराइल की सेना ने भी साफ कर दिया कि हमला कहां होगा, इसका फैसला इजराइल करेगा। एक दिन पहले इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने ईरान के शासन की आलोचना की थी। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि इसराइल अपने देश और अपने लोगों की रक्षा के लिए कहीं भी जा सकता है। There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. The vast majority of Iranians know their regime doesn't care a whit about them. If it did care, if it cared about you, it would stop wasting billions of dollars on futile wars across the Middle East. It would start improving your lives. और नेतन्याहू के संबोधन के 24 घंटे पूरा होते ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी, जिसके बाद पूरे इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे, जिसके बाद इजरायली सेना ने तुरंत सभी लोगों को बम शेल्टर में भेजने का दावा किया। हालांकि इस हमले में इजरायल को ज्यादा नुकसान होने की खबर नहीं है, इसलिए कहा यह भी जा रहा है कि ईरान ने यह हमला सिर्फ अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए किया था।
और इधर इसराइल के पलटवार के लिए ईरान भी तैयार है। ईरान ने अपने हवाई इलाके को बंद कर दिया है। कल सुबह 5 बजे तक ईरान का जो एयर स्पेस है, हवाई क्षेत्र, वो बंद है। ईरानी संसद के स्पीकर ने इसराइल को चेतावनी दी है कि अगर पलटवार किया तो कार्रवाई बिल्कुल अलग होगी। इसराइल के हमले के लिए ईरान पूरी तरह तैयार है। ये कौन कह रहा है? ये बाघेर कह रहा है। בנבטים, אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע? וואו, 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 וואו. וואו. और ईरान इसराइल युद्ध के बीच बड़ा अपडेट आपको दिल्ली से दे दें। दिल्ली में इसराइल एम्बेसी दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सूत्रों के हवाले से खबर, एम्बेसी के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। इसराइल एम्बेसी के बाहर पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं दिल्ली का। और इस बीच बड़ा अपडेट यह भी है कि जैसे इसराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों की लिस्ट जारी की गई थी, वैसे ही ईरान की तरफ से भी एक पोस्टर जारी किया गया है। इसमें इसराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू को टॉप लिस्ट पर रखा गया है और उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का मैसेज लिखा गया है। इसराइल के खिलाफ ईरान की पोस्टर मिसाइल। ईरान के पोस्टर में नेतन्याहू को बताया गया मोस्ट वांटेड। बारूदी जंग के बीच ईरान का पोस्टर वॉर। वॉर जोन में इस वक्त भयानक भगदड़ मची है। मिसाइल हमलों के बीच लगातार बजते सायरन किसी बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहे हैं। लोग जल्द से जल्द सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच एक पोस्टर ने ईरान की मंशाओं को दुनिया के सामने ला दिया है। दावा किया जा रहा है कि ये पोस्टर ईरान की तरफ से ही जारी किया गया है। इस पोस्टर में इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को मोस्ट वांटेड करार दिया गया है और पोस्टर के जरिए उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने की बातें लिखी गई हैं। यानी ईरान सीधे सीधे बेन्यामिन नेतन्याहू को टारगेट करना चाहता है। यही वजह है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरे विश्व युद्ध के कयासों का भी जिक्र कर दिया है। The world right now is spiraling out of control. You might not have seen what's happened because it was a few time ago. Iran launched 181 ballistic missiles at Israel and I've been talking about World War III for a long time, and I don't want to make predictions because the predictions always come true. We're not going to make, but they are very close to global catastrophe. ईरान के इस पोस्टर वॉर की कहानी इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला की मौत के बाद इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से भी एक पोस्टर जारी किया गया था। इस पोस्टर में उन लोगों का नाम शामिल था जिन्हें इसराइल ने मौत की नींद सुला दिया था, यानी वो लिस्ट जो इसराइल के लिए वांछित आतंकी थे। इस लिस्ट में हसन नसरल्ला का नाम टॉप पर था। यही वजह है